जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं इमरान ट्रैवलिंग व्लॉग्स। तो मेरे साथ हैं भाई, इनसे आज बात करेंगे ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और कैसे आए हैं, इनसे जो है सारी इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे। तो जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमान है। रहमान भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान में बनूस से हूँ। बनूस से हैं? ओके, हो गया। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं करंटली बैचलर्स कर रहा हूँ इन फूड साइंसेस। ओके, फुल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। ठीक हो गया। फ्रैंकफर्ट के पास ही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान से कैसे आए थे आप? पाकिस्तान से पहले मैंने 13 ईयर एजुकेशन कम्प्लीट की है। ओके, मतलब अगर जो भी लड़का आता है तो उनके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि आप ना 13 ईयर एजुकेशन कम्प्लीट करके ना आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और आपके साथ 13 ईयर एजुकेशन के साथ साथ आपके पास IELTS हो। IELTS होनी चाहिए। कितने बैंड होनी चाहिए आपके पास? मिनिमम बैचलर्स के लिए 6 बैंड काम चल जाता है। मतलब आपके जो अगर आपने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करानी है तो उसके लिए 7 बैंड भी चल जाते हैं। ओके, हो गया। लेकिन अगर आपने मतलब कोई अच्छी अच्छा कोर्स और बाकी यूनिवर्सिटी नॉर्मल चूज़ करनी है तो 6 बैंड पर भी चल जाता है। चल जाता है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान से आप यानी कि आप स्टडी वीज़े पे आए थे? जी जी। तो डायरेक्ट जर्मनी में आप आए थे या फिर आप किसी और कंट्री में? नहीं, मैं पहले बेल्जियम में आया था। पाकिस्तान से मैंने FSC की थी, तो FSC कंप्लीट करके मैंने 1 ईयर बेल्जियम में कंप्लीट किया और फिर बेल्जियम से इधर आकर मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया वहाँ से और अभी इधर आ गया। तो कितना कॉस्ट आई थी पाकिस्तान से? अगर आप मतलब या कोई आना चाहता है तो खर्चा कितना आ जाता है नॉर्मली बेल्जियम या जर्मनी जैसे? नॉर्मली अगर आप जर्मनी आना चाहते हो तो जर्मनी की एजुकेशन फ्री है। मतलब आपको तकरीबन 300 या 400 सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करानी पड़ती है। ठीक हो गया। और उसमें भी आपका सेमेस्टर का टिकट और आपकी ट्रेवलिंग फ्री ऑफ कास्ट होती है। ठीक हो गया। तो इसकी अच्छी बेनिफिट यही है कि अगर आप आते हो तो आपको सिर्फ ब्लॉक अकाउंट जमा कराना होता है। कितना है वो? जो ब्लॉक अकाउंट है ऑलमोस्ट अबाउट आजकल 11,000 हो गया। 10 था ना पहले? जी, अभी 11,000। ओके, ओके। वो भी ऐसा सब मिल जाता है मंथली? जी, बिल्कुल। आपको फुली रिफंडेबल होता है। कितना मिलता है मंथली? मंथली आपको 934 मिलता है और आपको आपकी फुल अमाउंट मिल जाती है। अच्छा दोस्तों, हवा थोड़ी चल रही है तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ का मसला आ रहा हो आगे, क्योंकि ये भाई जल्दी में कहीं जा रहे हैं। बेसिकली ये बेल्जियम एक्चुअली जा रहे हैं, तो हमने कहा चलो थोड़ी गपशप भी लगा देते हैं। तो अच्छा, ये पाकिस्तान से आने का तरीकाकार है ना? जी जी। और यहाँ पे अगर आप यानी कि स्टडी कर रहे हैं तो साथ में जॉब वगैरह करते हैं तो कितने घंटे अलाउ है? वैसे नॉर्मली आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ है। ओके। लेकिन अगर आपके समर वेकेशन चल रहे हैं तो आप उसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। जी। और साथ में आपके पास मतलब अगर डिलीवरी जॉब करना चाहें तो आप मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट कितने कमा लेते हैं बेल्जियम में? बेल्जियम में तो बंदा ज़्यादा कमा लेते हैं, इसलिए कि बेल्जियम में स्टूडेंट्स के लिए टैक्सेस नहीं है। ओके। लेकिन अदर साइड उधर आपको फीस पे करानी पड़ती है। तो अगर आप जर्मनी आते हो इनकेस आप टैक्स कर लेते हो लेकिन आपकी फ़ीस वगैरह नहीं होती, तो आप ऑलमोस्ट 1,000 यूरोज़ 900, तो मतलब इसमें आपका ना आपकी एक्सपेंसिस और आपकी फीस और थोड़ी बहुत सेविंग भी आप कर लेते हो। ओके, ये सब निकाल के 1,000 यूरो तक कमा सकते हैं? जी जी, बिल्कुल। 1,000 बचा सकते हैं? नहीं नहीं, बचा तो आप तकरीबन 200-300 हार्डली बचा। ओके, यानी आपका खर्चा आप निकाल सकते हो। जी जी, वो भी आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप बिगर सिटी आते हो तो उधर रेंट ज़्यादा है, लेकिन सिमिलरली आपको फिर अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक हो गया। इनकेस अगर आप किसी छोटी सिटी जाते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी लेकिन आपका रेंट भी कम होगा उस लिहाज से। ओके ओके। तो जितना बड़ी सिटी में होंगे उतना लिविंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, जितना छोटी सिटी में होंगे लिविंग कॉस्ट कम रहेगी। जी जी, बिल्कुल। और यहाँ आपको फिर एक तो अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आपको स्टूडेंट वर्किंग पोजीशन मिल जाती है। लेट्स अगर आप IT फील्ड में आ रहे हो तो आपको IT वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिल जाती है। तो आपको एक तो मतलब अगर जब आप ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है जर्मन कंपनी का, तो आपको फर्दर मतलब एजुकेशन में आप बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ जैसे आपकी स्टडी पूरी हो जाती है तो फिर कितना टाइम देते हैं ये लोग यहाँ पे स्टे करने का? आपको 23 मंथ्स देते हैं आपको जॉब सर्च वीज़ा, तकरीबन 2 साल हो गए। जी जी, बिल्कुल। तो मतलब अभी ये टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। ओके। तो उसके बाद आप जॉब सर्च वीज़े पर भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको जॉब ना भी मिले तो आप इधर ना मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। लेकिन अगर आप मास्टर्स कर लेते हो तो तकरीबन 100% में से तकरीबन आपके 90% चांसेस यही है कि आपको जॉब मिल जाती है इनकेस इफ यू हैव सम स्किल्स। ज़्यादातर तो यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट ही होते हैं, तो इंग्लिश में ही सारे कोर्सेज वगैरह होते होंगे, स्टडी वगैरह में फिर भी नहीं आता है लैंग्वेज बैरियर वगैरह। लैंग्वेज बैरियर तो अगर मैं बात करूँ मतलब सिटीज़ की तो उधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप फ्रैंकफर्ट आते हो, म्यूनिक आते हो, तो उधर ना जो लैंग्वेज बैरियर थोड़ा कम है, लेकिन आपको इंग्लिश में भी जॉब मिल जाती है। ठीक हो गया। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो आपके टाइम उधर मतलब वेट कर रहे हो गवर्नमेंट वीज़ा मिल जाता है, इसमें तकरीबन 8-9 महीनों में आप आराम से B1 तक लैंग्वेज करा लो, आपके लिए मतलब फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। यानी जर्मन लैंग्वेज वगैरह जो है। जी जी बिल्कुल, आपको अगर एक स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं और एक स्टूडेंट जर्मन बोलते हैं तो उसको एडवांटेज मिलेगा, उसको एडवांटेज मिलेगा जो जर्मन बोलता है, लैंग्वेज जो होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कहाँ के स्टूडेंट हैं, इंडिया पाकिस्तान? मोस्टली स्टूडेंट्स आपको इंडियन मिलेंगे, और अभी मतलब पाकिस्तानी जो स्टूडेंट उनकी भी रेशो इंक्रीज़ हो रही है। ओके, ठीक हो गया, सही। तो मंथली एक्सपेंस कितने आ जाते हैं, जैसे रूम है, खाना पीना, डेटा वगैरह, सिम वगैरह? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बिगर सिटी में रह रहे हैं जैसे फ्रैंकफर्ट है, तो आपको यहाँ 400-450 में आपको रूम मिल जाता है, और अगर आप मतलब शेयरिंग करें तो आपको 380 में मिल जाता है। मेरा कुछ बहुत से फ्रेंड 380 में रह रहे हैं, मेरे कुछ बहुत से फ्रेंड 450 भी रह रहे हैं, तो 450 वो निकाल लो, तकरीबन 200 आप ग्रोसरी वगैरह निकाल लो, 30-40 आप सीट वगैरह का निकाल लो। और फर्स्टली अगर आप बिगर सिटी में रहते हो तो आपको ट्रेवलिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि आपको इधर जॉब मिल जाती है। और स्टूडेंट को आई थिंक सो कोई डिस्काउंट कार्ड भी मिलता है? जी बिल्कुल, आपको 29 यूरो, जी जी 29 यूरोज़ में आप पूरे जर्मनी घूम सकते हो। पूरे जर्मनी घूम, मंथली होता है? मंथली मिलेगा। सही हो गया, सही है जी। और मेरे ख्याल में पॉइंट रह गया या कुछ हो गया? सारा कवर हो गया। तो दोस्तों सारी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमने जो है वो इसमें कवर कर दी है, क्योंकि मैंने सोचा कि आप भाइयों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर किसी ने पाकिस्तान से, इंडिया से या गल्फ कंट्री से किसी ने स्टडी वीज़ा पे यहाँ आना है, जर्मनी में या बेल्जियम में या किसी और कंट्री में, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कोशिश की है हमने आपके साथ शेयर करने की। तो अगर कोई चीज़ मज़ीद आपको कुछ पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया जी, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, कीप वाचिंग इमरान ट्रैवलिंग व्लॉग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।